तो वर्षा के पश्चात क्या होता है, कुछ बूंदे वायुमंडल में रह जाती हैं। वर्षा के पश्चात क्या होता है, कुछ बूंदे वायुमंडल में रह जाती हैं। वो बूंदे प्रिज्म के भांति कार्य करती है, किसका कार्य करती है, प्रिज्म का कार्य करती हैं। ठीक है, अब वर्षा के पश्चात क्या हुआ, कुछ बूंदे वायुमंडल रह गई, वो बूंदे किसका कार्य करेगी, प्रिज्म का। तो सूर्य, जब सूर्य निकलेगा वर्षा के पश्चात, सूर्य की किरण पड़ेगी, देखो सूर्य की किरण पड़ी, तो ये जैसे सूर्य की किरण पड़ेगी उस बूंद से, और ये प्रिज्म, और ये बूंद किसका कार्य करेगी, प्रिज्म का, तो ये सात रंगों में विभाजित हो जाएगी, रंगों में सात रंगों में विभाजित हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे, ठीक है, इसकी घटना को बोलते हैं बड़ विक्षेपण। क्या बोलते हैं, बड़ विक्षेपण हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब सूर्य प्रकाश किरण सूर्य की प्रकाश किरण किससे किसी प्रिज्म से टकराती है, सात रंगों में विभाजित हो जाती है, क्या बोलते हैं, बड़ विक्षेपण। और तो वर्षा के पश्चात वर्षा की जो बूंद वायुमंडल में जाती है वो भी किसका कार्य करती है, प्रिज्म का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, प्रिज्म का कार्य करती है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश आया है यहां से, ठीक है, और ये वर्षा की बूंद थी, ये प्रिज्म का कार्य किया, तो यहां से जैसे पड़ेगा तो इसका, ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसके सात रंगों में ये विभाजित, सूर्य के किरण जो सात रंग हो गए उसमें क्या हो जाएगा, सात रंग एकदम निकल आएंगे, इसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, वर्षा के पश्चात कुछ जल कण वायुमंडल में रह जाते हैं, ये जल कण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं, किसी बात एक प्रिज्म की भांति, जब प्रकाश कण जल बूंद में प्रवेश करती है तब इसका बड़ विक्षेपण हो जाता है, उसी जल की बूंद की दूसरी सतह से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है, प्रकाश के प्रक्षेपण का आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश कण पुनः वायु में प्रवेश करता है, जिस कारण आकाश में संकेंद्रीय वृत्तीय बड़क्रम बनता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। स्पष्ट है कि यह घटना केवल वर्षा के पश्चात ही हो सकती है, यह घटना कब हो सकती है, वर्षा के पश्चात ही हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लास 9 का टॉपिक था, तो जो बच्चे नोट कर सकता है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दो, फैला दो वीडियो को सभी जगह। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोग लाइक कर दो। ठीक है।